आखिरी 3 गेंदों में 3 छक्के जड़ के रिंकू सिंह बने क्रिकेट की दुनिया के बेताज बादशाह, दिग्गजों ने ठोका सलाम। पहले आईपीएल में गेंदबाजों को रेला, फिर अंतर्राष्ट्रीय में आयरलैंड को पेला, अब यूपी टी20 लीग में घरेलू खिलाड़ियों को पीटा। रिंकू 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 एक ऐसा नाम जो पिछले कई महीने से पूरे हिंदुस्तान में सनसनी मचाया हुआ है। पिछले 1 साल के अंदर रिंकू सिंह ने वह मुकाम हासिल कर लिया जिसे कई क्रिकेटर सालों साल मेहनत करने के बावजूद भी नहीं हासिल कर पाते। अलीगढ़ के एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले रिंकू सिंह आज करोड़ों भारतीयों के चहेते बन गए हैं। रिंकू सिंह जहां भी जाते हैं उनका सम्मान काफ़ी जोरों शोरों से किया जाता है। एशिया कप में नहीं चुने जाने पर रिंकू सिंह का पूरा गुस्सा यूपी टी20 लीग में देखने को मिला। मेरठ मारविक्स और काशी रुद्रा के बीच खेले गए यूपी टी20 लीग के एक मैच में रिंकू सिंह मेरठ मारविक्स की तरफ से खेलते हुए एक बार फिर से लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्के जड़ के पूरे देश भर में सनसनी मचा दिए हैं। दोस्तों, इस मैच में रिंकू सिंह की टीम मेरठ मारविक्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट के नुकसान पर 181 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया था। जवाब में काशी रुद्रा की टीम ने भी 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 181 रन ही बनाए और मैच यह टाई हो गया। यह मैच सुपर ओवर में चला गया और सुपर ओवर में काशी रुद्रा की टीम ने 16 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया और रिंकू सिंह को मेरठ मारविक्स वालों ने ओपनिंग करने के लिए भेजा। रिंकू सिंह पहली गेंद पर बीट हो जाते हैं, उसके बाद रिंकू सिंह दूसरी गेंद पर सामने की ओर शानदार लंबा छक्का जड़ देते हैं और तीसरी गेंद रिंकू सिंह को फुल टॉस मिलती है और फुल टॉस गेंद मारने के लिए रिंकू सिंह काफ़ी ज़्यादा माहिर है। रिंकू सिंह फुल टॉस गेंद पाते ही लेग साइड पर काफ़ी ज़ोरदार लंबा छक्का जड़ देते हैं। उसके बाद तीसरी गेंद पर भी रिंकू सिंह सामने की ओर ज़ोरदार लंबा छक्का जड़ के मेरठ मारविक्स को 2 गेंद रहते हुए शानदार मैच जिता देते हैं। दोस्तों, इस तरह से रिंकू सिंह काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। आखिरी के ओवरों में जिस तरह से रिंकू सिंह बल्लेबाजी तूफानी बल्लेबाजी करते हैं, आखिरी के ओवरों में जिस तरह से रिंकू सिंह के अंदर किस गेल की आत्मा आ जाती है, इससे यह साबित हो रहा है कि आने वाले टाइम पर रिंकू सिंह भारत के एक अच्छे फिनिशर साबित हो सकते। दोस्तों, जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी आखिरी के 2-3 ओवरों में तूफानी बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते थे, महेंद्र सिंह धोनी अपने फिनिशिंग बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, उसी के राह में रिंकू सिंह भी निकल पड़े हैं। रिंकू सिंह में स्टार्टिंग में काफ़ी स्लो बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन जैसे जैसे रिंकू सिंह क्रीज पर जम जाते हैं, रिंकू सिंह आखिरी के ओवरों में छक्के लगाने के लिए काफ़ी ज़्यादा माहिर हो जाते। यह पूरा 2023 ही रिंकू सिंह के नाम रहा। 2023 के आईपीएल में रिंकू सिंह ने कोलकाता नाइट राइडर्स के कई मैच अकेले दम पर जिताए हैं। गुजरात टाइटंस खिलाफ खेली गई रिंकू सिंह 21 गेंदों पर 38 रनों की तूफानी पारी को भला कौन भूल सकता है। जिस तरह से आखिरी ओवर में रिंकू सिंह ने आखिरी के 5 गेंदों पर 5 छक्के जड़ के पूरे देश भर में सनसनी मचा दी थी, उन 5 छक्कों की वजह से रिंकू सिंह की पूरे दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा तारीफ होने लगी थी और उसके बाद रिंकू सिंह ने काफ़ी सारे मैचेज में KKR को अकेले दम पर जिताया था और रिंकू सिंह का इसी का फायदा मिलते हुए रिंकू सिंह को अंतर्राष्ट्रीय मैचों में डेब्यू करने का, आयरलैंड के खिलाफ डेब्यू करने का मौका मिल जाता है और आयरलैंड के खिलाफ भी रिंकू सिंह ने उसी अंदाज को अपना जारी रखा और आयरलैंड के खिलाफ भी रिंकू सिंह ने आखिरी के ओवरों में 2-3 छक्के जड़ के यह साबित कर दिया कि रिंकू सिंह आने वाले टाइम के भारत के महेंद्र सिंह धोनी बन सकते हैं। तो दोस्तों, आप सबका क्या ख्याल है? क्या रिंकू सिंह आने वाले टाइम के महेंद्र सिंह धोनी बन सकते हैं? क्या रिंकू सिंह भारत को एक फिनिशिंग का रोल अदा कर सकते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जोड़ दीजिएगा। अगर आप लोग रिंकू सिंह की बल्लेबाजी आप लोगों को अच्छी लगती है तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिएगा।